हाजिरीन गिरामी कदर, रमजानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा है। न जाने अगला रमजानुल मुबारक किन किन खुश नसीबों को दोबारा जिंदगी में आएगा या कितने होंगे जिनकी जिंदगी में नहीं आएगा। बड़े आजिज़ाना अल्लाह वहदहु ला शरीक दरबारे ला यज़ल में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की इन आखिरी घड़ियों को मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए दुनिया के एतबार से और आखरत के एतबार से फलाह और नजात का जरिया बनाए। इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस मुबारका, मेरे आका का वो फरमान, वो अरशाद, आपके ज़हन में होगा जब मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए थे। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने तीन मरतबा आमीन की सदा बुलंद की थी। रमजानुल मुबारक का महीना पाए, अपने गुनाहों को ना बख्शवा सके वो बदबख्त, जिब्राइल अमीन ने कहा था तो उस पर मेरे आका ने क्या कहा था, आमीन। दूसरी जो बददुआ जिब्राइल अमीन ने की कि जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गरामी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और आप पर वो दुरूद ना पड़े, वो बदबख्त है, तो मेरे आका ने क्या कहा था भाई, आमीन। तीसरी बात जिसके अंदर मेरे आका ने यही जुमला दोहराया था और आमीन की सदा बुलंद की थी, और आज के मेरे जुमातुल मुबारक की नशिस्त में इसी के ऊपर गुफ्तगू करने का अज़म और इरादा है। जिब्राइल अमीन ने कहा था अल्लाह के पैगंबर वो इंसान भी हलाक और बर्बाद हो जाए जो अपनी ज़िंदगी में अपने बूढ़े वालिदैन को पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले।
तो मेरे नबी ने उस वक़्त भी यही कहा था, आमीन, अल्लाह इसको कबूल कर ले। कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह ने वालिदैन का तज़किरा किया, मगर 15वें पारे में सूरत बनी इसराइल में अल्लाह करीम ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी उम्दा बात की। अल्लाह ने सबसे पहले अपने हक का तज़किरा किया, ओए लोगों मैं तुम्हें अपना हक बताने लगा हूं कि मेरा हक तुम पर क्या है, और अपने हक के बाद जो दूसरा हक किया और दूसरे हक का तज़किरा किया, उस नंबर पर दूसरे नंबर पे अल्लाह वालिदैन को लाए। वालिदैन की बड़ी अजमत है, बड़ा मकाम है। इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन शख्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह कयामत के दिन नजर रहमत नहीं फरमाएगा, और अल्लाह को उन लोगों के ऊपर रहम और तरस नहीं आ। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अन्वजमाई ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर इतना बदनसीब आदमी कौन है कि कयामत के दिन अल्लाह की रहमत को इन तीन गुनाहगारों के ऊपर रहम और तरस नहीं आएगा। आपने फरमाया, पहले नंबर पर वो इंसान दयूस बेगैरत इंसान जो बिल्कुल गैरत से खाली हो गया है, हलाल हराम की उसमें कोई तमीज नहीं, उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो वो टस से मस नहीं करता। और आपने फरमाया, दूसरे नंबर पे वो इंसान जो शराब का आदी हो, आखिरी दम तक, एक तो ये है कि मरने से पहले इंसान तौबा कर ले, नहीं बल्कि जब उसका आखिरी वक्त आया है इसी हालत में मरा है कि वो शराब की हालत में मरा है और शराब का आदी इंसान था। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह कल कयामत के दिन इसके ऊपर भी नजर रहमत नहीं फरमाया। तीसरे नंबर पर आपने फरमाया, वो इंसान जिसने मां बाप की इज्जत को पामाल कर दिया, माँ बाप की इज्जत अदब एहतराम ना किया, सारी जिंदगी उनको जलील किया, खराब किया, परेशान किया, और माँ बाप उसकी ठोकरें खाते रहे, सारी जिंदगी माँ बाप को इज्जत की निगाह से ना देखा, कदर अदब एहतराम ना किया, बिलाखिर इसके वालिदैन इसी तरह दुनिया से चल बसे। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह को कयामत के दिन फरमाया इनके ऊपर रहम और तरस। और इसके साथ ही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीन आदमी ऐसे हैं फरमाया जिनकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नद नहीं। आदिल बादशाह, अदल करने वाला,
انصاف کرنے والا، کسی کے ساتھ ظلم اور جبر اور زیادتی نہیں ہونے دیتا، عادل بادشاہ ہے۔ فرمایا جب وہ بادشاہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو رد خالی نہیں لوٹاتا۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا مسافر آدمی، مسافر آدمی جب سفر میں ہو، فرمایا اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرے، ابھی اس کے ہاتھ فرمایا نیچے نہیں آتے، اس سے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول و منظور فرما لیتے۔ تیسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا والدین۔ والدین کی دعا کو بھی اللہ رد۔ امام الانبیاء، سر تاج الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید الورا، بدر الدجا، شمس الضحا، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے۔ خصوصاً نوجوان اپنے دل کی تختی کے اوپر میرا جملہ نوٹ کریں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک مہینہ ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو۔ دوستو رمضان المبارک کا مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اللہ کی رحمت گناہگاروں پر برستی ہے، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے۔ اللہ افطاری کے وقت ہر روز 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، مگر ذرا میری بات توجہ سے سنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک مہینہ ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو۔ وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر اس رات کے اندر انسان عبادت و ریاضت کر لے، شب بیداری کر لے، جس خوش نصیب کو وہ رات نصیب ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو۔ فرمائے انسان ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہے یا رب یا رب یا رب یا رب، ربنا ربنا، اللہم اللہم، اللہ کی تسبیح، تحلیل، تقدیس، پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے۔ مگر میرے آقا نے فرمایا اس کے بوڑھے والدین اس سے ناراض ہیں، اس سے خفا ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ فرمایا اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے قرآن کا اعلان ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ اللہ کہتے ہیں لوگو آؤ میں تمہیں بتانے لگا ہوں، میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، تمہیں آگاہ کرنے لگا ہوں، مطلع کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ کس بات پہ تو آگاہ کرنے لگا ہے؟ کون سی بات بتانے لگا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں بندگی ہوگی، نہیں پوجا پاٹ ہوگی، نہیں کسی کے سامنے جھکو گے مگر
अल्लाह के सामने मौला ठीक है तेरे नाम की तस्बीह तहलील तकदीस तेरे नाम की पाकी बयान करेंगे मौला पहला हक तेरा हो गया। अल्लाह फरमाते हैं फिर सुन आगे वबिल वालिदैन इहसाना। ईमान वालों अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आना है, उनसे जुल्म न करना, ज्याती ना करना, बल्कि आजजी के फरमाया बाज उनके सामने फैला देना है। उफियों वाला तन हरूमा उन्हें उफ तक न कहना। फरमाया अगर तुम्हारे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं उनके लिए दुआ किया करो, दुआ मांगा करो, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। भाई जाग के बैठे हैं, इसी चाह रहे हैं, आपको नींद तो नहीं आ रही। जब कुरान पढ़ा जाए तो सुबहान अल्लाह कहा करो। सहाबी का नाम है रजी अल्लाह ताला, तो किसी वलीउल्लाह का नाम है तो रहमतुल्लाह ताला। तो इसलिए जब कुरान पढ़ा जाए कम से कम पता चले आवाम को समझ आ रही है, कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं वबिलवालिदैन इहसाना रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर आपके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं, अम्मा दुनिया से चली गई, अब्बा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, फरमाया उनके लिए हाथ उठा के दुआ मांगा करो, अल्लाह के हुजूर मेरे अल्लाह मेरे वालिदैन तेरे दरबार में पहुंच चुके हैं, उनके साथ आसानी वाला मामला फरमाना, उनके साथ नरमी वाला मामला फरमाना। आपने देखा होगा जब बच्चे और मासूम हो छोटे हो, माँ बाप अपने औलाद से किस तरह मोहब्बत करते हैं, उनके हर नखरे बर्दाश्त करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है इसलिए बच्चों की कदर पूछनी है। वालिदैन को पूछिए ना माँ बाप के दिल में औलाद की कितनी शफकत है, कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। इसलिए फरमाया जब तुम्हारे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाए उनके लिए भी दुआ मांगा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह जिस तरह हमारे वालिदैन बचपन में हमारे साथ प्यार किया करते थे, मोहब्बत किया करते थे, हमारी हर ख्वाहिश को चाहिश को पूरा किया करते थे, हमारे हर नखरे को बर्दाश्त किया करते थे, रब्बुल आलमीन वो तेरे दरबार में आ चुके हैं, या अल्लाह तू भी उनके साथ इसी तरह नरमी वाला मामला फरमाना जिस तरह वो हमारे साथ नरमी वाला मामला किया करते थे। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बद नसीब है वो इंसान, बद बख्त है जिसको अल्लाह ये दौलत दे दें, नेमत दे दें, उसके बावजूद वो उसकी कदर ना करे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मिताफ के अंदर बैठे हैं, दो से एक आदमी ने देखा असहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अन्हु अजमाइन की पाक मुकद्दस मुतहर मुनज़्ज़ा मुजल्ला जमात बैठी है। ये नौजवान आया है, इसने अपनी बूढ़ी माँ को बूढ़ी अम्मा को कंधों पे उठाया हुआ है, सहाबा इकराम की जमात के करीब आ गया, मिताफ के अंदर आ जाता है और आके अर्ज करने लगा ए अल्लाह के नबी के यारो मुझे ये बताओ। फरमाया मैं यमन से आया हूँ, मैंने पैदल सफर किया है, ना मैंने दिल देखा है, ना मैंने राह देखी है, ना मैंने खलवत देखी है, ना मैंने जलवा देखी है, ना मैंने अपनी
सेहत का ख्याल रखा। फरमाया मैं पैदल चलाऊं, अपनी बूढ़ी अम्मा को अपने कंधों पे सवार करके अल्लाह के घर में बैतुल्ला में लाया हूँ। मैंने सफा मरवा भी करवाया है, बैतुल्ला का तवाफ भी अपनी बूढ़ी अम्मा को अपने कंधों पे बैठ के फरमाया करवाया है। इसे आबे जमजम भी अपने हाथों से नोश करवाया है। भला ये बताइए, क्या मैंने अपनी अम्मा का हक भी अदा कर दिया कि नहीं कर दिया? अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अरे नौजवान तू कैसी बातें करता है, अम्मा का हक अदा कर रहा है। फरमाया तू कभी बीमार भी हुआ होगा? फरमाया फिर जब बच्चा बीमार हो, माँ की कैफियत देखी है, माँ की नज़ाकत देखी है, माँ की कभी तबीयत देखी है, माँ खुद नहीं खाती अपने बच्चों को खिलाती है, खुद आराम नहीं करती अपने बच्चों को आराम करवाती है। ईद का मौका हो, त्यौहार का मौका हो, जुमा का मुबारक दिन हो, देखा है कभी माँ अपने बच्चों को कैसे सवार के, साफ सुथरे करके, अच्छे कपड़े पहना के ईदगाह की तरफ भेज दिया, जाओ मेरे बेटो ईद पढ़ के आओ। कभी वापसी पे कभी अहले ईमान तवज्जो करना, अपनी बूढ़ी अम्मा की तरफ भी देख लेना, बूढ़े अब्बा की तरफ भी देख लेना। वो कहते हैं बेटा हमारी खैर है, तुम अच्छे कपड़े पहन लो। लिहाजा माँ बाप औलाद के लिए बिल्कुल इतने एहसानमंद होते हैं, मोहसिन होते हैं, माँ बाप के दिल में इतनी मोहब्बत और प्यार होता है कि हमारी खैर है, हमारे औलाद खुश रहे। उमर बिन अब्दुल अजीज, जिसको उम्र सानी कहा जाता है, हजरत उमर की लड़ी से हूँ, हजरत उमर की नस्ल से हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे, मैं ढूंढना हूँ बदबख्त इंसान कौन है, खुश नसीब इंसान कौन है। मेरे जहन में ये बात आई कि आज तलाश करना है बदबख्त कौन है, खुश नसीब कौन है। कहते मैं चल पड़ा, मैं चलता चलाता जंगल बियाबान की तरफ चलने लगा हूँ, क्या देखता हूँ? फरमाया जंगल के अंदर एक कुआं है, एक बूढ़ा ज़ईफ उम्र लागर हड्डियों का ढांचा बाबा खड़ा है और फरमाया कुएं से पानी निकाल रहा है, पसीने से शराबूर है, तर बतर है। मैं करीब गया, मैं क्या देखता हूँ, वहाँ एक नौजवान भी है जो पीछे से बाबा को मार रहा है, पटाई कर रहा है और कहता है जल्दी कर जल्दी कर। मैंने कहा ओ बदबख्त इंसान तू ही है, बदबख्त तू इंसान है, क्यों बाबा को मार रहा है? कह लगा जनाब ये मेरा बाबा नहीं है, मेरा बहुदूर है, ये हमारी नस्ल दर नस्ल काम चलता आ रहा है, मेरे बाप ने अपने अब्बा को यानी मेरे दादा को इसी तरह मारा था, मेरे दादा ने मेरे परदादा को मारा था, मेरे अब्बा ने मुझे खुद बताया है। मैंने उस बूढ़े इंसान से पूछा बाबा ज़रा बता दीजिए मामला क्या है? जनाब ये हमारी नस्ल में चलता आ रहा है, मेरे दादा ने फरमाया अपने बाप को मारा है। आगे मैं कहने लगा मेरे बाप ने मेरे दादा को मारा है। कहने लगे अभी वक्त है तौबा कर ले। उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे तौबा कर ले, वरना कल दुनिया में तो जलील हो गई होगा, आखिरत में भी जलील होगा, अभी तौबा कर ले। ये नस्ल दर नस्ल काम चलता रहा, चलता रहेगा, अल्लाह से मुआफी मांग। इसीलिए मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ गुनाह ऐसे हैं अल्लाह फिलफोर दुनिया में उसकी गिरफ्त कर लेता है, मगर कुछ गुनाह ऐसे हैं अल्लाह दुनिया में पकड़ दकड़ नहीं करते, उसकी सज़ा नहीं देते। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसकी सज़ा देंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसा कौन सा अमल है अगर इंसान करे तो अल्लाह दुनिया में उसकी सज़ा दे दिया करते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले नंबर पे वो बदबख्त इंसान है, फरमाया जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करता, अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता, फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत को रोन देता है, फरमाया
क़यामत के दिल तो इसको सजा मिलनी मिलनी है, मगर मेरे आका ने फरमाया अल्लाह दुनिया में भी इसको जलील और रसवा जरूर करेंगे, और फरमाया इसकी सजा अल्लाह दुनिया में ही दे के फरमाया तब मरेगा जब तक इसको सजा न मिल जाए। माँ बाप की बड़ी अजमत है, बड़ी कदर है, बड़ा एहतराम है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा का मुझके ऊपर अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा हक किसका है। मेरे आका ने फरमाया तेरी माँ का। पूछने वाला फिर पूछते अल्लाह के रसूल अल्लाह के हक के बाद सबसे ज्यादा हक, फरमाया मुझके ऊपर किसका है। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया तेरी माँ का। तीसरी बार सवाल किया गया, मेरे आका ने फरमाया तेरी माँ का। चौथी बार सवाल करने वाले ने जब सवाल किया ना, मेरे आका ने फरमाया सुम अबू का, तेरे बाप का भी तुझके ऊपर हक है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के तीन सहाबा का वाक्य नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया, बनी इसराइल के तीन शख्सों का वाक्य सुनाया है। जब वो सफर पे निकले हैं फरमाया आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, झक्खड़ चलने लगे, यालाबारी होने लगी। अब तीनों ने कहा किस तरह अपनी जान की हिफाजत करें, दिफा करें। उन्होंने एक गार देखी है, गार के अंदर जा घुसे हैं। अचानक क्या देखा, थोड़ी देर बाद ऊपर से पत्थर आया, गार का मुंह बंद हो गया। बड़े परेशान है, बड़े पेशीमा है। उस वक्त ये दौर तो नहीं था कि मोबाइल के जरिए राबता किया जाए। अब कहने लगे क्या करें, तो तीनों आपस में मिलके मशवरा करते हैं, अपने अपने नेक अमल का वसीला अल्लाह के दरबार में पेश करो जो अल्लाह की रजा के लिए अमल किया गया है। दोनों ने अपना अपना अमल अल्लाह के दरबार में पेश किया। वो तीसरा आदमी जो था वो जनाबे वाला उसकी दुआ सुने, इल्तिजा सुने, कहने लगा मौला तो अच्छी तरह जानता है मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं सारा दिन बकरियां चराया करता था। मौला एक दिन मैं बकरियां चराते चराते दूर निकल गया, दूर का मैंने सफर कर लिया, आते आते रात हो गई, अंधेरा छा गया। जब मैं घर आया मैंने दूध निकाला, क्या देखता हूँ मेरी बूढ़ी अम्मा भी सो गई है, मेरे बूढ़े अब्बा के ऊपर भी नींद का गलबा हो चुका है, मेरे बच्चे चीख रहे हैं, मेरे बच्चे चला रहे हैं, अब्बा हमें भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। फरमाया मैंने अपनी बीवी को भी दूध नहीं दिया, अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिलाया। फरमाया मैं दूध क्या पाया अल्लाह लेके अपने माँ बाप के सर पे खड़ा हो जाता हूँ। फरमाया कब मेरे अम्मा मेरे अब्बा की आँख खुलेगी, मैं उनको दूध फरमाया पेश करूँगा, उनकी खिदमत में दूंगा। फरमाया ताकि इसी तरह सारी रात बीत गई, मेरे बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, शोर बरपा करते रहे, भूख के अंदर इसी तरह सारी रात गुजारे, मगर रब्बुल आलमीन तो अच्छी तरह जानता है। मैंने कहा पहले मेरे माँ बाप दूध पियेंगे, बाद में मेरे बच्चे पियेंगे। मौला ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया था, अगर ये तुझे मेरा ये अमल काबिले कबूल मंजूर है तो मौला इस मुसीबत से नजात दे दीजिए ना। जब थोड़ा सा धक्का लगाया जनाबे वाला पत्थर जा गिरा है, अल्लाह ने नजात अता कर दी है। इसीलिए बूढ़े माँ बाप की दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर नबी हैं, अल्लाह ने बड़ी फसाह दी है, बड़ी बलागत दी है, इलम के मोती बखेरते हैं, अल्लाह ने इलम से नवाजा है। वक़्त का जो नबी होता है सबसे ज़्यादा इलम नबी के पास हुआ करता है। एक दिन रब्बुल आलमीन से कलाम करते करते कहने लगे रब्बुल आलमीन मुझे ये बताइए ना जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मेरा हमसाया कौन होगा, मेरे क़ुर्ब व जवार में रहने वाला कौन होगा। सुनिएगा ईमान वालों ज़रा अपना ईमान ज़रा ताज़ा करना,
फिर इसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा, मेरा साथी कौन होगा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे कलीम जन्नत में तेरा साथी, फरमाया फुला मुकाम पर एक साई है, वो फरमाया जन्नत में तेरा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते मेरे जहन में तो ये बात थी कोई अतकिया होगा, शब जिंदादार होगा, वलीउल्लाह होगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा, सर सजदे में रख के हर वक्त उसकी तस्बीह तहलील तकदीस बाकी बयान करने वाला होगा। और जब अल्लाह ने कहा कसाई कसाब, मैं हैरान रह गया, कसाई पैगंबर के साथ हमसाया बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे जमीर ने मुझे बेदार किया, फिर देखना जरा उससे मुलाकात कर। मैंने कहा रब्बुल आलमीन मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, उसका एड्रेस बता दीजिए, उसका पता बता दीजिए, ताकि मैं उस अपने जन्नत वाले साथी को दुनिया में मिल लूँ और उससे मुलाकात कर लूँ। अल्लाह ने फरमाया फलां बस्ती में चले जाओ, फलां इलाके में चले जाओ, फलां शहर में चले जाओ, फलां मकाम पर वो मेरा बंदा बैठा है मूसा, जो जन्नत में तेरा हमसाया और साथी बनेगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पूछते पूछते उस मकाम पे जा पहुंचे। अब ये कसाई फट्टा लगाया हुआ है, दुकान लगाई हुई है, क्या देखा गोश्त फरोख्त कर रहा है और उसी गोश्त में से अच्छा जो आला और उम्दा किस्म का गोश्त है थोड़ा सा निकाल के अलग थलग रख देता है, अपनी दुकानदारी करता रहता है। जब सारा गोश्त फरोख्त हो गया, बेच दिया, अब घर जाने का वक़्त हो गया, घर की तरफ चल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओ मियाँ आज मैं भी तेरा मुसाफिर बनना चाहता हूँ, तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ। क्या लगा जनाब आ जाइए कोई मामला नहीं है, आ जाइए मेरे साथ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर की तरफ चल दिया। अपने घर में जो दाखिल हुआ है ये भी साथ साथ है मूसा अलैहिस्सलाम। फरमाया क्या देखता हूँ, एक अम्मा बैठी है, बूढ़ी अम्मा है, नबी ना है, ज़ईफुल उमर बेका जनाबे वाला कमजोर है और जनाबे वाला सफेद रीश है, बुढ़ापे की इंतहा चुकी है। इसने जाके अपनी अम्मा को कहा अम्मा पानी पियोगे, हाँ बेटे पानी पियोगे। इस नौजवान ने अपनी बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाया है, फिर वो गोश्त लिया साफ सुथरा करके अपने हाथ से हंडिया पकानी शुरू कर दी है, खाना तैयार हो गया है। फरमाया फिर एक बर्तन में डाल के छोटे छोटे लुकमे करके अपने बूढ़ी अम्मा को खाना भी खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं सारा देखता रहा सारा कुछ, और रात जो गुजरी है उसमें भी मैं देखता रहा कि ये क्या करता है, इसके जिंदगी के नशेबो फराज कैसे हैं, इसका उठना बैठना कैसे है, इसकी खलवत और जलवत कैसे है, कितनी देर इबादत करता है, किन किन जनाबे वाला नवाफिल पढ़ता होगा, तहज्जुद करने वाला होगा। फरमाया जब बूढ़िया ने खाना खा लिया और जनाबे वाला वो नौजवान अपने घर कमरे से बाहर निकला है, बर्तन साफ करने लगा है, बाद जनाबे वाला अल मुख्तसर जब बर्तन उठा के बाहर चला गया, बूढ़ी अम्मा ने खाना खा के पानी पी के अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हाथ बुलंद कर दिए। हाथ बुलंद करके क्या कहते हैं, ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ नसीब फरमा दे, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ नसीब फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कहा ओ मूसा कलीमुल्ला ये तहज्जुद गुजार भी नहीं, ये आबिद भी नहीं, ये जाकिर भी नहीं। फरमाया एक दुकानदार है, मगर क्या है अल्लाह ने इसको ये दर्जा क्यों दिया, सिर्फ अपनी अम्मा की खिदमत करने की वजह से अता कर दिया है।
हाँ हाँ सुनिएगा सुनिएगा, जरा गुजरा तवज्जो कीजिए। अगर माँ बाप की नाफरमानी की, उनका जो उनको तंग किया, सिताया, परेशान किया, यकीनन उसकी सजा भी मिलेगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नौजवान है, उनका नाम हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला सबके रजी अल्लाह ताला जाके बैठे, बेदार होके बैठे रजी अल्लाह ताला। हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला मेरे नबी के सहाबी हैं, मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ने जाके तिला दी, अल्लाह के हुजूर अलकमा कितने दिन हो चुके हैं, चार पाई पे लेटे हुए हैं, मगर रूह परवाज नहीं हो रही है, रूह निकल नहीं रही है, इसी तरह लेटे हुए हैं। मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो चलते हैं इसकी इयादत के लिए, पता करते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर अली सलातो वसलाम जब हजरत अलकमा के घर आए हैं, देखा चार पाई पे लेटे हुए हैं, कोई होशो हवास नहीं है और रूह भी परवाज नहीं हो रही। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, क्या इनके वालिदैन जिंदा हैं, अम्मा और अब्बा जिंदा हैं? बताया गया अल्लाह के पैगंबर, वालिद का तो इंतकाल हो चुका, इनकी वालदा जिंदा है। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, उनको बुलाइए ना। फरमाया अल्लाह के हुजूर, वो बड़ी कमजोर बेबस है, ज़ईफ़ुल उमर है, चलने के काबिल नहीं है, इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मेरा पैगाम दे दो ना, मेरा पैगाम पहुंचा दो। अगर अम्मा चल के आ सकती है तो ठीक है, अगर चल के नहीं आ सकती, फरमाया आमना कलाल चल के अम्मा की खिदमत में खुद जाएगा। भाई इकबाल नु इतना मजा आया कि निंदर आ गई। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे पैगंबर का पैगाम सुन के अम्मा कहने लगी, फरमाया चलने के काबिल तो नहीं। वाह सुभान अल्लाह, मेरे आका के साथ सहाबा को मोहब्बत ही बड़ी थी, प्यार ही बड़ा था। बुढ़िया कहने लगी, चलने के काबिल तो नहीं है, चल नहीं सकती हूँ, मगर लाठी का सहारा देके मैं आका की खिदमत में ज़रूर जाऊंगी। लाठी हाथ में पकड़ी है, कमर झुकी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चल के मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल जो किया, फरमाया अम्मा ये बता, फरमाया तेरे बेटे का मामला कैसा था, रवैया कैसा था? सुनिएगा ईमान वालों, ज़रा अपना ईमान ज़रा ताज़ा कर। मेरे आका अली सलाम ने पूछा, बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर ये नमाजें भी आपके पीछे पढ़ता था, अल्लाह के पैगंबर कुरान करीम की तिलावत भी किया करता था, अल्लाह के पैगंबर सदका खैरात भी किया करता था, अल्लाह के पैगंबर हज और उमरे भी किया करता था। मेरे प्यारे पैगंबर की कोसर तस्नीम से धुली जुबान मेरे आका अली सलाम ने क्या फरमाया, अब मां मैं ये नहीं पूछ रहा हज करता था नहीं करता था, उमरे की या नहीं किए, नमाज पढ़ता था नहीं पढ़ता था, जकात देता था या नहीं देता था, मैं तो ये पूछना चाहता हूं इसका मामला तेरे साथ कैसा था। जब इतनी बात की, बुढ़िया हजारों कतार रोना शुरू कर दे, आंसू बहाना शुरू कर दिए, अश्क बहार हो गई है। कहने लगी अल्लाह के हुजूर, मेरे बारे में ना पूछो, मेरा दिल दुखता है। फरमाया इसने मेरा दिल दुखाया है। जब मेरे प्यारे पैगंबर सलाम ने इतनी बात की, रोता वो है जिसके दिल में गम हो, जिसको चोट लगी हुई हो, जिसके दिल को दुखाया गया हो। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, जाओ मेरे साहबा जंगल की तरफ चले जाओ, ईंधन इकट्ठा करके लाओ, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर लकड़ियों का क्या करोगे, ईंधन का क्या करोगे? मेरे आका ने क्या फरमाया, फरमाया अम्मा तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जलाएंगे, तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जलाएंगे। क्यों या रसूल अल्लाह, मेरा लखते जिगर है, मेरा फर्जंद है, मेरा अर्जमंद है। ना या रसूल अल्लाह, ऐसा ना कीजिएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा फरमाया जो वालिदैन का ना फरमान है, दुनिया में भी उसकी यही सजा है और आखरत में भी यही सजा है। कहने लगे अल्लाह के पैगंबर, तुम भी गवाह बन जाओ। और फरमाया अल्लाह भी मेरी बात के ऊपर गवाह है। फरमाया
अल्लाह के पैगंबर मैंने सच्चे दिल से अपने बेटे को माफ कर दिया। इधर से अम्मा ने अपने बेटे की माफ़ी का ऐलान किया, फौरन हजरत अलकमा की रूह परवाज हो गई। इसलिए नौजवानों, अगर माँ बाप का दिल दुखाओगे, माँ बाप को परेशान करोगे, अगर उनके दिल जख्मी करोगे, हो सकता है मुमकिन हो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी सजा दे दे और आखरत में तो उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। मेरे आका प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेराज की रात मैंने देखा है लोगों की पटाई हो रही है, फरिश्ते कोड़े मार रहे हैं। मैंने कहा जिब्राइल अमीन सईदुल मलाका रूहुल अमीन, ये क्या मामला है, क्यों लोगों की पटाई हो रही है, इनको क्यों सजा दी जा रही है। सईदुल मलाका करने लगे अल्लाह के पैगंबर, फरमाया ये वो लोग हैं जो माँ बाप की ना फरमाने किया करते थे। आखिरी बात सुना के बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा के अंदर तशरीफ फरमाए, जरा मदीना से बाहर बैठे हुए हैं, आपने देखा दूर दराज से एक बुढ़िया आ रही है और अपने सर के ऊपर छोटी सी पंडोकली रखी हुई है। देखा ना देहात के अंदर जो औरतें होती हैं वो अपने कपड़े या किसी चीज़ में पंडोकली के अंदर, पंडोकली कहते थे ना भाई, कपड़े के अंदर बांध कर सर पे रखे हुए मदीना की तरफ आ रही है। जब मदीना की तरफ आ रही है, मेरे प्यारे पैगंबर सलातो सलाम की नज़र पड़ी है, सहाबा में मेरे आका बैठे हैं। इस बात के ऊपर गौर करना, मेरे आका सहाबा के दरमियान में बैठे हैं। मेरे आका की नज़र पड़ी, आज के नौजवान अपने यारों में बैठा हो अपने माँ बाप को देख के मुंह फेर लेता है, अगर उसके ऑफिस में चला जाए कहता है बाबा मेरे ऑफिस में ना आया करो, मेरी इंसल्ट होती है। कहते क्या नहीं कहते, बाबा तू ने थे आया कर, मेरी इंसल्ट है, तेरा पुत्र किड्डा वड्डा अफसर थे तू मेरे को आ गया। अल्लाह अकबर, रहमतुल आलमीन पैगंबर को देखना, जिसके इशारा आबरू पे सहाबा जाने कुर्बान करने वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और मेरे आका सहाबा फरमाते भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, करीब चले गए। जो वजन था वो पंडोकली थी, जो कपड़े थे, जो साजो सामान था, मेरे आका ने अपने हाथ में पकड़ लिए और साथ मिल के मदीना की तरफ आ रहे हैं। जब मजबूर मेरे आका अलैहिस्सलाम उस मकाम पे पहुंचे, मेरे प्यारे पैगंबर ने अपनी चादर मुबारक फैला दी, अरे ये तेरी चादर नहीं है, ये मेरी चादर नहीं है, ये वलीउल्लाह की चादर नहीं है, ये आबद की चादर नहीं है, ये तो वो चादर है जिसका तज़किरा अल्लाह कुरान में करते हैं। अल्लाह कहते हैं अय्युहल मुज़म्मिल, ओ कमली ओढ़ने वाले हो मेरे प्यारे पैगंबर, जिस चादर का तज़किरा अल्लाह कुरान में करते हैं। मेरे आका ने वो चादर नीचे जमीन पे फैला दी और सहाबा फरमाते खुद नंगी जमीन पे बैठे और फरमाया उस बुढ़िया को चादर के ऊपर बिठा दिया और आपने फरमाया ओ मेरे साहबा जल्दी करो, मदीने की आला खजूर लेके आओ, ठंडे पानी का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो। फरमाया जब बुढ़िया ने खाना खा लिया, पानी पी लिया, खजूरें तनावल फरमा ले, कहेंगे अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ। मेरे प्यारे पैगंबर दूर तक फरमाया मेरे आका साथ जाते रहे और फरमाया मीठी मीठी गुफ्तगू करते रहे। जब मेरे आका वापस आए, हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस बुढ़िया की बड़ी तकरीम की है, बड़ी इज्जत की है, बड़ा कदर किया है, बड़ा अदब किया है, बड़ा एहतराम किया। अल्लाह के पैगंबर आपने इसके अदम में चादर फैला दी है, ये तो बड़ी अजीम चादर है और आप खुद नंगी जमीन पर बैठ गए हैं। ए अल्लाह के पैगंबर ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ये बुढ़िया कौन थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे साहबा, ये मेरी रजाई अम्मा हलीमा सादिया थी, जिसका मैं मोहम्मद ने बचपन में दूध पिया था, लिहाजा मेरा पैगंबर तुम्हें बता के जा रहा है। ओए लोगो, रजाई अम्मा के साथ मेरा का ये करता है, अपनी सकी अम्मा को गाली ना देना, उनका कभी दिल ना दुखाना। काबा के रब की कसम है, अगर जमीन
زمین و آسمان کی ساری کامیابیاں چھونا چاہتے ہو اور ستاروں تک پہنچنا چاہتے ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کیا کرو اپنے ابا کی خدمت کیا کرو. میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے آپ کو سب کو ماں باپ کی عزت قدر ادب احترام کرنے والا بنائے اور جن کے ماں باپ دنیا سے چل بسے اللہ ان کی بخشش فرمائے, اللہ ان کے مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.